विगत दिनों मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल का एक दिवसीय रीवा प्रवास हुआ था, जिसमें शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज के हीरक जयंती समारोह में सम्मिलित होने आए थे, जहां साथ में अन्य कार्यक्रम में भी रीवा में सम्मिलित होने के लिए, जिसमें रिवर फ्रंट के उद्घाटन में राज्यपाल को सम्मिलित होना था, जिसके लिए प्रमुख मार्गों पर पुलिस द्वारा ट्रैफिक को रोका गया, जिससे आम जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ी। सबसे बड़ी बात रही कि दर्जनों लोगों की ट्रेन छूट गई, जिन्हें अपने गंतव्य तक जाना था वह काफिले के लिए रोके गए ट्रैफिक में फंस गए और उनकी ट्रेनें बस छूट गई। कोई भी व्यक्ति यदि इंटरव्यू देने जा रहा है, किसी का अपॉइंटमेंट है, कोई भी आवश्यक काम से जा रहा है, इलाज करवाने जा रहा है, जिसके ट्रेन का समय निर्धारित है, वह ऐसे वीआईपी काफिले के चक्कर में फंसकर सब कुछ गवा बैठते हैं, पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन कोई भी असर नहीं होता। रीवा में राज्यपाल के काफिले के लिए जगह जगह ट्रैफिक रोका गया, जिसमें से आनंद विहार से दिल्ली जा रहे यात्रियों की ट्रेन छूट गई। इसमें से आनंदपुर शिल्पी भुवन के निवासी ने बताया कि उनकी बेटी शिखा द्विवेदी का आनंद विहार के AC2 में टिकट था, जिसका उन्होंने PNR नंबर भी उपलब्ध कराया, जिन्होंने बताया कि वह अपने घर से 3:30 बजे ही निकल गए थे, जबकि ट्रेन 4:20 में थी। पहले तो इंजीनियरिंग कॉलेज के पास ट्रैफिक रोका गया, काफी समय तक रुका रहा, जिसमें वह फंसे रहे। ट्रैफिक रोकने की वजह से वह उपल मार्ग का सहारा लेते हुए नए बस स्टैंड गए। उसके बाद सिरमौर चौराहा कॉलेज चौराहा के पास ट्रैफिक रोका गया, जिसकी वजह से उनकी ट्रेन छूट गई। ट्रैफिक को कंट्रोल करने में खड़े पुलिस कर्मियों से बात भी करनी चाहिए, लेकिन कोई भी मतलब नहीं निकला। पुलिस कर्मियों ने एक भी नहीं सुनी। वीआईपी के काफिलों के चक्कर में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति दिल्ली ऐश आराम करने नहीं जाता है, सब अपने मजबूरी या तो नौकरी के लिए जाते हैं या इलाज करवाने के लिए। यदि उनकी ट्रेन छूट जाए तो भला विचार कीजिए कि कितना कष्ट होगा। देश में कई राज्य के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने काफिले के लिए ट्रैफिक को न रोकने के निर्देश देते हैं। उनमें से अभी हाल ही में बने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं, जिन्होंने अपने काफिले के लिए ट्रैफिक न रुकवाने के निर्देश दे रखे हैं। जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक रोकने की वजह से आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोई भी आवश्यक कार्य से जा रहा है, किसी का इंटरव्यू है, किसी को नौकरी ज्वाइन करने जानी है, किसी का अपॉइंटमेंट है, कोई इलाज करवाने के लिए जा रहा है, वह काफिले में फंसकर सब कुछ गवा बैठता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है रीवा में सामने आया कि राज्यपाल के काफिले ने दर्जनों यात्रियों की ट्रेन मिस करवा दी। क्या इस घटना के बाद प्रशासन सबक लेगा या नहीं? खैर, इसी ट्रैफिक में जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल भी फंसी रही। वह पुलिस कर्मियों से बात करती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक नहीं खोला गया। आखिरकार दर्जनों लोगों की ट्रेन छूट गई, जिसका जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या बना रहे हो? हेलो भाई साहब, रामा बोल रहा हूँ Virat 24 न्यूज चैनल से। हाँ जी, नमस्कार। वो पता चला कि आज राज्यपाल जी के इसमें प्रोटोकॉल में वहाँ पे जब लोकार्पण था रिवर फ्रंट का, तो जाम लगाया गया था, तो आप लोगों की ट्रेनें मिस हो गई। हाँ, हमारे बच्ची को जाना था जी, सेकंड AC का रिजर्वेशन था, तत्काल का टिकट था, उसके बावजूद फंसे रह गए जाम में। अच्छा, कैसे क्या नुकसान हुआ है और क्या प्रक्रिया? 2,500 रूपए की टिकट थी, हमको तत्काल में लेना पड़ा, तो एजेंट ने पैसे मिला के 2,200 की टिकट थी, बाकी पैसे एजेंट ने लिए। 2,500 में हमको टिकट पड़ी थी। न जाने से भी कुछ नुकसान हुआ? समय पर नहीं पहुंच पाए जहां जाना था? बिल्कुल, बिटिया नौकरी करती है वहां पे, उसमें मल्टीनेशनल कंपनी में है जी, और उसको पहुंचना था, वो नहीं जा पाई। क्या लगता है आपको, भी ट्रेन का समय था और इस तरह से व्यवस्था थी, तो कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए था कि ट्रेन? बिल्कुल, इनको बनाना चाहिए था भाई, इनने वहां से रोका हमको। पहले हम अनंतपुर में रहते हैं, शिल्पी उपवन में अनंतपुर में रहते हैं, वहां से निकले, पहले आए तो उसने इंजीनियरिंग कॉलेज के पहले वो जो पढ़ता है पॉलीटेक्निक, उसके सामने से रोक दिया जी जी। तो चलो, वहां से डाइवर्ट होके हम गए, फिर वहां नया बस स्टैंड निकले उपल रोड पकड़ के, नए बस स्टैंड से फिर हम निकलते हुए आए तो TRS कॉलेज में फिर खड़ा कर दिया जी जी जी। तो TRS कॉलेज में ऐसे फंसे कि आगे भी गाड़ियां, पीछे भी आ गई गाड़ियां,
वो पुलिस वाले से जाके बात किया कि भाई क्या बात है, जाने दो, कोई भी आ रहा हो तो अभी तो नहीं आ रहा, 5 मिनट पहले रोक लेना। जी जी। तो वो बोला तो पोलाइटली ही, लेकिन वो बोला कि साहब आप एसपी कलेक्टर का नंबर ले लीजिए और बात कर लीजिए, हम लोग क्या करें बताइए। जी जी जी। तो अकेले आप ऐसे ना रहे होंगे, क्योंकि ट्रेन का टाइम था तो ये नहीं, हमारे बगल में एक गाड़ी, हमारे बगल में एक गाड़ी लगी थी, वो उस गाड़ी में भी ट्रेन के यात्री थे। जी जी। वो सब परेशान थे, हम उतर के गए, हमने पुलिस वाले से बात की कि यार हम लोगों की ट्रेन है भाई, ट्रेन वालों को तो निकल जाने दो तुम। हमसे आगे 3-4 गाड़ियां थी, मतलब दो तीन कतार में खड़ी थी, तो अगर वो छोड़ देता तो कम से कम हम तो निकल सकते थे, अगर 2-3 गाड़ियां निकल जाने देता तो। तो वो आधे घंटे से खड़ा किए हुए था, और जब हमको मतलब वहां से सो चुकी थी, निकल चुकी थी। नहीं अब क्या जाते, यही 4:45 बज गया भाई, हम 3:30 बजे घर से निकले हैं 4:20 की ट्रेन के लिए, और 4:45 हमको बजा दिया TRS कॉलेज में। जी। तो फिर हम सतना भी नहीं पकड़ सकते थे, सतना तक भी हमने हिम्मत की हुई थी कि सतना छोड़ देंगे, जब 4:20 यहाँ चलिए तो 5:20 तो वो सतना छोड़ देगी हर हालत में। तो हम जब 4:45 बजे यही है तो हम 35 मिनट में हवाई जहाज उड़ा के तो जा नहीं सकते। बिल्कुल, ये बिल्कुल जो आपको दिक्कतें हुई और लोगों को दिक्कतें हुई सिर्फ VIP और ये रोकने के चक्कर में हुई, जबकि व्यवस्था बनाई जा सकती थी, डाइवर्ट किया जा सकता था, ट्रेन का टाइम था कि तुरंत रोका जाए या दूसरा रास्ता बनाया जाना चाहिए था। ये PNR नोट करिए, आप नाम बताता हूँ मैं बिटिया का, आप बिल्कुल छापिए, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं दिखाता हूँ कि आपके साथ साथ जो हुआ, भविष्य में और लोगों के साथ ना हो, कई लोगों का, आपको तो चलिए नौकरी में जाना था, कई लोग हो सकता है कहीं अपॉइंटमेंट में जा रहे हो, किसी का इंटरव्यू रहा होगा, किसी का अस्पताल जाना रहा होगा, ऐसे कई लोग होंगे जो मिस हुए होंगे। भाई दिल्ली की ट्रेन थी 4:20, तो दिल्ली वाले जो भी रुके होंगे, दिल्ली कोई ऐश करने तो जाता नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल सही, बिल्कुल मजबूरी में या तो कोई हॉस्पिटल के लिए जाता है, या उसको वहां से भी आगे ट्रेन पकड़नी है तो जाता है, या सर्विस के वाला जाता है, बिना काम वाला दिल्ली ऐसे तो जाता नहीं। बिल्कुल मैं आपकी बात उठाता हूँ कि भविष्य में ऐसा ना हो कि इस तरह से दिक्कतें हों और लोगों को का नहीं, आप बाकायदे प्रूफ के लिए हम PNR दे रहे हैं आपको, नोट कर लीजिए। जी जी जी। ट्रेन लिए हैं आप? हाँ बताएं बताएं। 880 61 22 733। ये शिखा द्विवेदी का टिकट था यहाँ से आनंद विहार के लिए रीवा। जी 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 ठीक है द्विवेदी साहब, ठीक है। और AC2 का टिकट था जी, A2 में 50 नंबर पे रिजर्वेशन था। जी जी ठीक। मेरे बगल में भी गाड़ियां लगी हुई थी, वो भी बेचारे चिल्ला रहे थे। बिल्कुल ठीक है, वो ठीक भी है। उतर के गए तो उनसे भी वही बोला, अब उस छोटा कर्मचारी क्या बोलेगा। नहीं वो तो बिल्कुल ऐसा टाइम है, ट्रेन का टाइम है, तो आप अकेले, अब आपसे मेरी बात हो पा रही है, ऐसे तो पता चला कि सैकड़ों होंगे। SP कलेक्टर को ये व्यवस्था देखनी चाहिए, और हमको तो मंत्री जी पे गुस्सा आ रहा था कि भाई वो तो यहाँ के जिम्मेदार आदमी है, उनको ये निर्देश दे के रखने चाहिए, वो कोई नए तो है नहीं, उनको जानकारी थी सभी चीजों की, बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए था। वो नए नहीं है, और उन्हीं के कॉलेज का कार्यक्रम था। जी जी जी। इंजीनियरिंग कॉलेज का, वहां से रुके हुए थे। बिल्कुल मैं उठाता हूँ इस बात को, बात बिल्कुल आप नाम सहित उठाइए हमारा। बिल्कुल 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 ठीक है, ठीक ठीक है जी, थैंक यू। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा,
संपर्क करें 0766235994 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।